सब स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे सुख डॉग कैनल्स पे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स हमारी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस बात पे है कि कई लोगों को लैब्राडोर काफ़ी पसंद आता है राइट, पर उनको उसके एक्चुअल उसके पता नहीं होते कि वो क्या चीज़ है, कैसी ब्रीड है, उसके नॉलेज नहीं होती। ठीक है, तो वो आज आपके साथ हम शेयर करेंगे ज़रूर। ठीक है, लैब्राडोर जो डॉग है, सबसे पहली बात तो लैब्राडोर ना तो एक फाइटर डॉग है ना परफेक्ट होगा डॉग है। ठीक है, लैब्राडोर जो है वो एक फैमिली डॉग है, परफेक्ट फैमिली डॉग। चाहे आपके फैमिली में कोई बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे आप हो गए, अगर आप कहीं बिजी भी हो तो ऐसा नहीं कि उसको टाइम देना रेगुलर ज़रूरी है। ठीक है, हाँ देना है, बट ऐसा नहीं कि आपको इतने घंटे उसे देने, वो यूज टू हो जाता है आपकी फैमिली के साथ रहते रहते, सबके साथ मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, तो लैब्राडोर जो है वो पहली बात तो हम पहला हमारा ये क्वेश्चन हुआ कि लैब्राडोर कहाँ की ब्रीड है, कौन सी कंट्री की ब्रीड है। तो लैब्राडोर जो है वो कैनेडियन ब्रीड है। ठीक है, उसे फिशर डॉग के तौर पे ब्रीड किया गया था। ठीक है, वो एक बेस्ट स्विमिंग डॉग भी है, बेस्ट स्विमर है वो। ठीक है, सो उसे एज अ फिशर डॉग ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब उसको पालते भी हैं, उसकी काफ़ी डिमांड हो गई है मार्केट में, काफ़ी गुड लुकिंग है, इंटेलिजेंट है, ओके। और उसका जो लाइफ स्पैन होता है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है लाइफ स्पैन कि लैब्राडोर कितने उम्र तक जी सकते हैं। सो उसका जो लाइफ स्पैन है वो मोस्टली अराउंड 10 to 12 ईयर्स है। अगर उसको आप अच्छे से ट्रीट करते हो, उसका खाना, उसकी हेल्थ, प्रॉपर डाइटिंग सब कुछ करते हो, तो वो 10 से 12 साल तक आराम से जी सकता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कलर की बात। कलर कई लोगों को ऐसा हो गया कि मूवीज़ में आप देखते हो गोल्डन कलर का आपको लैब्राडोर दिखाया जाता है, तो आपके डाउट में यही रहता है कि हाँ यार गोल्डन लैब है तो यही फेमस है। ऐसा नहीं है यार, लैब जो है वो 3 कलर में आता है और 3 प्योर कलर में आता है, उसमें कोई आपको मार्किंग कोई डॉट नहीं होगा, ये उसकी प्योरिटी की पहली पहचान है। ठीक है, आपको एक आएगा वो ब्राउन कलर जो कि चॉकलेटी, एक आएगा आपको प्योर ब्लैक कलर और एक आएगा प्योर गोल्डन कलर। ठीक है, सो ये इसके अंदर कोई मार्किंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, ये लैब की सबसे पहली प्योरिटी की पहचान है। ठीक है, इसके बाद उसकी हाइट की बात की जाए तो हाइट में अगर मेल और फीमेल कैटेगरी को रखा जाए तो जो मेल की हाइट होती है वो 57 से लेकर 62 सेंटीमीटर तक होती है और जो फीमेल की हाइट होती है वो होती है 55 से लेकर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि फीमेल की हाइट हमेशा छोटी होती है और मेल की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सेंटीमीटर्स का फर्क होता है, वो सेंटीमीटर से उससे ऊपर होती है। और वेट की भी अगर बात कर लें आप तो जो वेट होता है वो भी मेल और फीमेल कैटेगरी में होता है, तो जो मेल का वेट होगा वो आपको अराउंड मिल जाएगा 29 से लेकर 36 केजी तक और जो फीमेल का वेट होगा वो होगा 25 केजी से लेके आपको 32 केजी तक। ठीक है, बिहेवियर की बात की जाए तो अगर जैसे आपको पता है कि फैमिली डॉग है तो उछल कूद तो करेगा ऑब्वियसली, तो ऐसा नहीं सोचना यार कि अगर वो आप पपी लेके आ रहे हो वो उछल कूद कर रहा है तो आपको आगे जाके भी प्रॉब्लम देगा, बेड पे चढ़ गया, गद्दे फाड़ दिए या चादर, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, परफेक्ट ट्रेनिंग देंगे तो वो डॉग एक परफेक्ट इंटेलिजेंट डॉग है। जो आप उसको काम सिखाओगे, परफेक्ट ट्रेनिंग दोगे, आपके पास टाइम है या आपको बजट है आपका ट्रेनिंग सेंटर में भेजने के लिए, तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग है। आपने कहीं देखा होगा पुलिस में, आर्मी में और कई कई जगहों पे ऐसे डॉग्स को यूज़ किया जाता है, ऐसे जर्मन शेफर्ड और लैब दोनों को। ठीक है, दूसरी बात काइंड मतलब वो बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ, सबके साथ एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे प्रॉब्लम नहीं करेगा, जैसे जैसे बड़ा होगा उसका बिहेवियर शांत होते रहेगा, वो चेंज होता रहेगा, आफ्टर 2 या 3 ईयर्स के बाद उसका बिहेवियर काफ़ी काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जेंटल, काफ़ी जेंटल डॉग है, अपने आपको साफ़ सफाई रखना बहुत पसंद करता है ये। ऐसा नहीं कि मिट्टी में लिटर पितर के आ गया और आपके सीधे बेड पे चढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, काफ़ी साफ़ सुथरा डॉग होता है ये अपने आपको साफ़ रखने में खुद सक्षम है। ऐसा नहीं कि आपको हर दूसरे दिन नहलाना ही जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तीसरी बात, अगर आप फीमेल लेते हो, कई लोग एज अ ब्रीडर लेते हैं फीमेल, उनको ये नहीं पता होगा कि लीटर्स में कैसे होते बच्चे, तो जो लैब होता है उसके 1 लीटर के अंदर एक्चुअली 7 पपीज़ आते हैं। तो उसके आपको अगर पपीज़ के प्राइस भी बता दें अकॉर्डिंग टू मार्केट, लॉकडाउन में प्राइस बढ़ गया, आपके सिटी में क्या प्राइस होगा वो हमें पता नहीं, बट अगर हमारे, मैं पंजाब में रहता हूँ, अगर यहाँ पे आप एक लैब लेते हैं, गुड क्वालिटी लैब लेते हैं, प्योरिटी अच्छी हो, उसका सब कुछ अच्छा हो, हैवी बोन हो, ठीक है, एप्पल फेस हो, पंच फेस हो, अगर ऐसा लेते हैं तो आपको अराउंड 7 to 8 thousand के अंदर लैब की फ़ीमेल आ जाएगी और अराउंड 15 से लेके 17 या 18 के अंदर आपको मेल डॉग आ जाएगा। ठीक है, सो यार लैब्राडोर के बारे में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बहुत ही बढ़िया डॉग है, ऐसा नहीं है यार कि फैमिली डॉग है तो उछल कूद हर डॉग ही करते हैं, वो उनका भी बचपन होता है जैसे हमारा बचपन होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो अप होते हैं उनके हमें समझ लगती है, हमें पता चलता है बिहेवियर कैसे करना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं, तो वो भी एक काइंडली यूज्ड टू हो जाते हैं। बस हाँ, उसको ऐसा है कि थोड़ा बहुत ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है।
ठीक है, क्योंकि वो इको फ्रेंडली होते हैं, एकदम फ्रेंडली होते हैं, उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपके घर में कोई आ गया तो उसको भौंकने लग जाना, वो उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, उसको झपट्टे मारेंगे, उसको पकड़ेंगे, पकड़ने खेलने की कोशिश करते हैं। सो ये सब कई लोगों को ना इरिटेशन होने लग जाती है इससे, तो आप उसको थोड़ा परफेक्टली ट्रेन करेंगे तो वो भी बेटर होगा आपके लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर की लैब्राडोर के बारे में। आगे के डॉग्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियोस में हम बताते रहेंगे नए नए डॉग्स के बारे में। आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना भाई, डेली अपडेट्स मिलेंगी हर डॉग के बारे में। अगर आपके कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं आपके क्वेश्चन, आपको जवाब भी मिल जाएगा। अगर आप किसी वीडियो की डिमांड करोगे वो भी बन जाएगी भाई। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।